इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके टर्मिनल जांचने और हमारे स्टार्टर है उनके अंदर कनेक्शन करना सीख लिया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने यहाँ टर्मिनल जांचना, जो मोटर के टर्मिनल होते हैं आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यहाँ मोटर पॉइंट, ये मोटर के टर्मिनल है, इनको जांचना भी हमने सीख लिया है, उनकी वीडियो बना ली है अलग अलग वीडियो से, स्पार्किंग वोल्टमीटर की सहायता से जो भी दो तरीके की है, तो उनकी वीडियो अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हमने देख लिया हस्त चलित स्टार डेल्टा स्टार्टर, और अब उसके बाद में हमने देखा सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर। सेमी के अंदर भी हमने जो एनवीसी है उनको कंट्रोलिंग करना, किस तरीके से स्टार में चले, किस तरीके से कौन सी एनवीसी है डेल्टा में चले, उनके कंट्रोलिंग जो है वायरिंग भी हमने देख ली है, पैनल बोर्ड पे सीख लिया, उसके बाद करके भी हमने जो है उसकी कनेक्शन स्टार्टर में करके भी देख लिए हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जब तक आप इन एनवीसीओ को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे कि कौन सी एनवीसी को कब स्टार में और कब डेल्टा में चलाना है, तब तक आप इन मोटरों के कनेक्शन, इसके अंदर पावर जो पावर कनेक्शन होते हैं उनको नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कौन सी एनवीसी कब ऑपरेट हो रही है, तो आप किस अकॉर्डिंग आप स्टार कनेक्शन और किस अकॉर्डिंग आप डेल्टा कनेक्शन बना सकते हो, तो वो वीडियो है आपको देखना जरूरी है, तो आप जरूर से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके पावर कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, सेमी के स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें पावर कनेक्शन के लिए थ्री फेज जो हमारी आती है वो सीधे आती है K1 के अंदर। K1 के अंदर जैसे आएगी, यहाँ पर K1 के अंदर RYB तीनों फेज आ रहे हैं, यहाँ नीचे देख रहे होंगे आपको वही टर्मिनल अंदर से होते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये हमारा ऑक्सिलरी का हो गया जिसकी मैंने वीडियो बना दी है, देख लेना। यहाँ पर जब ऑन बटन को दबाएंगे तो ये तीनों फेज आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे ही तीनों फेज आएंगे तो हमारे स्टार कनेक्शन में होता है फ्रेंड्स, तीनों वाइंडिंग में एक एक सिरों के अंदर डायरेक्ट फेज जाता है और बाकी एक एक सिरे रह जाते हैं समान सिरे, वो होते हैं एक साथ तीनों शॉर्ट। शॉर्ट कैसे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे समान सिरे यहाँ पे A2, B2 और C2 यहाँ पर हो रहा है शॉर्ट, उसके अलावा A1, B1 और C1 के अंदर जा रही है डायरेक्ट सप्लाई। अब शॉर्ट देखो, K2 LVC और K1 LVC ये दोनों चलेगी स्टार पॉइंट के अंदर, स्टार कनेक्शन के अंदर जब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो K1 से तो मिल जाएगी हमारे को डायरेक्ट सप्लाई, K2 करेगी हमारे मोटर के जो समान सिरे उनको शॉर्ट करेगी, तो उसके लिए करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखे होंगे K2 LVC के पीछे से यहाँ पे तीनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर रखा है। अब यहाँ पर ऊपर वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो ऊपर वाले पॉइंट है इनमें करते हैं मोटर के कनेक्शन, तो इनमें समान सिरे होना आवश्यक है। समान सिरे देखो, जैसे 1, 2, 3 वायरिंग से यहाँ से निकला, यहाँ पर हमारे मोटर के A2, B2 और C2 के अंदर यहाँ पे कनेक्ट हो गए, यानी समान सिरे तो हमारे कनेक्ट हो गए स्टार पॉइंट के लिए, और इधर ही समान के अंदर यहाँ पे हमारे पास यहाँ से जो फेज आएगा वो डायरेक्ट चला जाएगा हमारी मोटर के अंदर A1, B1 और C1 के अंदर। इसके अंदर फ्रेंड्स इधर से कोई सप्लाई नहीं जाएगी K3 के अंदर, क्योंकि K3 हमारी उस टाइम पर ऑफ रहती है जब हम ऑन बटन को दबा के रखते हैं। अब जैसे हम ऑन बटन को छोड़ते ही हमारी मोटर चलेगी डेल्टा के अंदर। डेल्टा में क्या होगा फ्रेंड्स, K1 कंटिन्यू रन करती रहेगी, K2 है वो ऑफ हो जाएगी, K3 ऑन हो जाएगी, ये ऑफ होगी तो ये वाला जो स्टार पॉइंट बन रहा था ये ऑफ हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से K3 जब ऑन होगी तो मोटर असमान सीधे जोड़ेगी। कैसे, आप इधर डायग्राम में देखते होंगे असमान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ अपन यहाँ से चालू करते हैं, A2 के साथ में C1 सिरा यहाँ पे जुड़ रहा है। अब कैसे जुड़ रहा है, यहाँ पे देखो A2 अपना हो गया ये वाला सिरा, A2 जो है पिंक वाले सिरे से जुड़ रहा है, तो इस पिंक वाले सिरे से है फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ रहा है C1, A2 के साथ में जुड़ रहा है C1, A2 पिंक वाले से जुड़ रहा है और पिंक वाला सिरा जा रहा है सीधा C1 के अंदर, मतलब असमान हो गया। आगे बढ़ेंगे, B1 के साथ जुड़ रहा है C2, B1 के साथ जुड़ रहा है ग्रीन वाले के साथ, ये यहाँ पर पिंक वाला C2, यानी कि B1 के साथ C2 यहाँ सिरा जुड़ रहा है, ये भी हो गया हमारा असमान। उसके बाद A1 के साथ B2, A1 रेड वाला सिरा जो कि इधर से जाके ये ग्रीन वाले से जुड़ रहा है, यानी कि हमारे हर एक सिरे असमान जुड़ रहे हैं, मतलब ये कनेक्शन हो गया हमारा डेल्टा। जैसे ही हम ऑन बटन को दबाएंगे तब चलेगी स्टार में, और जैसे हम कुछ सेकंड उसको मोटर को जैसे
उसके आरपीएम पे आ जाती है, मतलब 75% आरपीएम पे आती है, हम जब ऑन बटन को छोड़ते हैं हमारी कंटिन्यू मोटर रन करती है डेल्टा के अंदर। तो इस तरीके से हम इसके पावर कनेक्शन करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं जो हमारा स्टार्टर है उसके अंदर कि किस तरीके से उसके अंदर इसके कनेक्शन करते हैं। डायग्राम तो ये हो गया, अब आपको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें ये एनवीसी हो गई K1, ये K3 और ये K2। तो जैसा कि हम K जो 2 है उसके अंदर यहाँ पे हमारे को नीचे देखने को मिल रही होगी कि हमने तीनों टर्मिनल को शॉर्ट करा है, जैसे कि आपने जो पैनल बोर्ड पे भी जो अभी मैंने बताया उसमें भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हमने इनको तीनों को शॉर्ट कर रखा है। अब इस K2 के अंदर हम हमारी मोटर के कनेक्शन जो उसमें सिरे आते हैं उसमें A2, B2 और C2, जिसमें हमने जब सिरे जांचने के लिए विधि बताई थी उसमें भी हमने जिन सिरों पे गांठ लगाई थी A2, B2 और C2, उनको करेंगे हम यहाँ ऊपर कनेक्ट। तो यहाँ मोटर के सिरे सबसे पहले ये 22 नंबर वाले जो है वो कनेक्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मोटर के समान सिरे 22 नंबर के जो यहाँ पे शॉर्ट कर लिए हैं। अब जब हमारी NVC के अंदर सप्लाई आएगी तो यहाँ नीचे से ये पत्तियाँ इनको आपस में शॉर्ट कर देगी, तीनों जो कॉइल के एक एक सिरे इनको शॉर्ट कर देगी, तो हमारी मोटर चलेगी स्टार के अंदर। अब K1 के साथ में यहाँ पे जो हमारे मोटर के 1-1 सिरे बच रहे हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख लिए, यहाँ पे हमने 22 सिरे हैं K2 के साथ में कर दिया यहाँ पे कनेक्ट, और 1-1 सिरे हैं वो K1 के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है इस स्टार्टर को स्टार के अंदर चलाने के लिए। तो स्टार में चलाने के लिए फ्रेंड्स करते कुछ ऐसे हैं कि जो मेन सप्लाई के तार आते हैं वो K1 के अंदर यहाँ नीचे वाले पॉइंट्स पर आते हैं, यहाँ पे RYB, और यही डायरेक्ट फेज आते हैं हमारे K3 के अंदर यहाँ नीचे वाले में। तो यहाँ से हम यहाँ पर सप्लाई के लिए पहले तार कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीनों फेज कनेक्ट कर लिए हैं, यहाँ देख रहे होंगे RYB, रेड येलो और ब्लू, और यही तीनों फेज सीधा हमारे जाते हैं K3 के अंदर। R फेज यहाँ पे जा रहा है तो यही फेज हमारे यहाँ से बाईपास होके सीधा आ गया यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पे R, इस पे भी R। यहाँ पर Y येलो फेज आ रहा है तो ये सीधा आ गया हमारे पास K3 के अंदर बीच वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे ये ब्लू फेज है जो सीधा घूमकर यहाँ पे हमारे पास बाईपास हो गया K3 के अंदर, यानी कि यही सेम फेज हमारी K3 को भी मिलेंगे कंटिन्यू। अब सबसे पहले हम समझेंगे इसके जो मोटर हमारी स्टार में रन करती है उसका फंक्शन समझेंगे किस तरीके से हमारी NVC काम करती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे 22 सिरे हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ 22 सिरे हमने यहाँ पे कर लिए शॉर्ट, जैसे कि नीचे हमारे यहाँ पे ये कनेक्ट हो रखे तीनों आपस में, तो ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो तीनों शॉर्ट हो जाएंगे मोटर के सिरे। अब बात आ जाती है 1-1 सिरों की, तो इन 1-1 सिरों के अंदर जाती है डायरेक्ट सप्लाई, तो हमारे ये 1-1 सिरे यहाँ पर लग रहे हैं और इनमें जैसे ही NVC चालू होगी तो डायरेक्ट सप्लाई जाएगी यहाँ से हमारी सप्लाई चल जाएगी इन मोटर के स्टार के अंदर, तो हमारी जो मोटर है वो कंटिन्यू रन करने लग जाएगी हमारी उसके स्टार के अंदर। अब बात करते हैं डेल्टा के अंदर। तो फ्रेंड्स डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में कुछ इस प्रकार होता है कि असमान सिरे आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके अंदर जाती है हमारी तीनों सप्लाई। तो जैसे बात करते हैं हम आर फेज की, तो यहाँ आप देख रहे होंगे आर फेज आ गया, इस आर फेज से हमारे पास कनेक्ट है A1 और B2, तो A1 सिरा तो हो गया हमारे पास ये रेड वाला, अब इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए हमारा B2। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आर सप्लाई है यही जा रही है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर आर सप्लाई के साथ इस पॉइंट पर हमारे पास B2 सिरा जो हमारी मोटर का है जो कि यहाँ से उठकर आएगा यहाँ पर, ये कनेक्ट होगा यहाँ पे B2 सिरा। अब यहाँ B2 सिरा कौन सा है फ्रेंड्स, जो ये ब्लू वाला है ये हमारे पास B2 सिरा, यानी कि ये ब्लू वाला सिरा ये कनेक्ट होके सीधा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पर हम एक तार जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखो आर फेज के साथ हमारे A1 और यहीं से आर फेज के साथ हमारे B2 को ये हमारे इस वाले पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो गया, दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए, तो ये हो गया B2। अब बात करते हैं येलो वाले फेज के साथ, तो येलो वाले फेज के साथ हमारे पास हो रहा है यहाँ पे B1, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर B1 कनेक्ट हो रहा है और इसके साथ हो रहा है C2, यानी कि इसी फेज के साथ यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास कनेक्ट होगा यहाँ पर C2 कनेक्शन, जो कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन वाला जो देख रहे हो ये सिरा कनेक्ट होगा हमारे पास इस पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स यहाँ वाई फेज के साथ जो B1 था उसके साथ हमने इसी वाई फेज के साथ यहाँ कर लिया C2 कनेक्ट। अब बात करते हैं हम ब्लू वाले फेज के लिए, तो यहाँ ब्लू वाले फेज पे आप देख रहे होंगे यहाँ C1 सिरा, जो ये सिरा है C1, यहाँ पर ये ब्लू वाला फेज घूमकर आ गया हमारे पास इस पॉइंट पर थर्ड पॉइंट पर, और इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा A2 सिरा, यानी कि ये वाला जो सिरा है ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे इस पॉइंट के साथ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू वाले फेज के साथ भी असमान सिरे कनेक्ट हो गए, यहाँ पर सी वन और यही फेज यहाँ पर वाई आ रहा है, इसके साथ हो गया ए टू सिरा, तो ये हो गए हमारे असमान सिरे डेल्टा के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके जो अब सर्किट है वो पूरा कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन, कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं। पैनल बोर्ड पे समझ लिया, सर्किट के साथ में हमने समझ लिया, अब हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके कनेक्शन, सर्किट कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो पावर कनेक्शन होते हैं मोटर के और जो सप्लाई के, वो सेम एज इट इज हमारे पास ऑटो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम ऑटो के अंदर इस जो पावर कनेक्शन है इसको हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि इसमें हमने सीख लिया है, हम उसमें ओनली सीखेंगे सिर्फ जो इसकी कंट्रोलिंग है उसके बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।